जय हिंद, नमस्कार मेरे शेरनियों। लाडलो, बहुत सारे बच्चे, जैसे पिछला मैंने कट ऑफ का वीडियो देखा, उसमें काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला और काफी सारे बच्चे चिंतित थे क्योंकि उसमें मैं डिटेल में नहीं बता पाया था कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी इस बार SSGT की। तो इसलिए काफी कमेंट आए, काफी क्या, लगभग 90% बच्चे ये जानना चाहते हैं, सर फिजिकल की कट ऑफ तो बहुत लोगों ने बता दी, आप हमें ये बताइए कि फाइनल कट ऑफ कहां तक जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं, आपको हर एक स्टेट का, सबसे पहले एक क्रम वाइज में आपको जितने भी स्टेट है टोटल उन सभी की कट ऑफ बताने वाला हूं। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं बताने वाला हूं अंडमान एवं निकोबार की, कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, मेडिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो मैं आंकड़े दूंगा इनकी, मैं ये तो नहीं बोलता कि 100% गारंटी लेता हूं, लेकिन हाँ 95% तक ये आंकड़े मैच होंगे आपकी फाइनल मेरिट से। तो यानी आपके लिए काफी बड़ा अनुमान है ये, और उसी आधार पे आप आगे की अपनी तैयारियां कर सकते हो। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा लाडलो, कि अब हमारी एप्लीकेशन पे आर्मी GD के बेस लॉन्च हो गए हैं, आर्मी कलर की अगर आप तैयारी करते हो वो भी लॉन्च हो गए, SSC GD 2023-24 का बेच भी लॉन्च हो गया और हमारे फिजिकल बेच भी शुरू हो गए हैं। जो बच्चा हमारे फिजिकल बेच में आएगा उसकी मेडिकल की जांच बिल्कुल निःशुल्क है लाडलो। तो अगर आपको अकेडमी है ना, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले अंडमान निकोबार से जो भी बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं लाडलो, पिछली बार जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी अंडमान निकोबार से, जो फिजिकल कट ऑफ रही थी हाइएस्ट रही थी लाडलो 37.02, हाइएस्ट 37.02 और ओवरऑल भी 37.02। यानी इस बार जिस बच्चे के लगभग 50 से ज्यादा नंबर है वो फिजिकल में 100% पास हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर, 50 से ज्यादा नंबर है। मेडिकल की पिछली बार कट ऑफ कितने रही तो मैं आपको बताऊं 37.51, यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र कितनी बड़ी थी, सिर्फ 40 अंक के आसपास पॉइंट में, यानी इसकी फाइनल मेरिट जो मेडिकल की और फिजिकल की जो मेरिट है वो सेम रहने वाली है। यानी अगर आपके 50 से ऊपर नंबर है और आप अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, आपकी जनरल कैटेगरी भी है, तो भी आपके 100% है कि आप फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई होंगे और मेडिकल के लिए भी क्वालिफाई होंगे। इस बार के लिए बोल रहा हूं लाडलो, अगर इस बार आपके 160 में से 50 नंबर भी है तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे 100%। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार अंडमान निकोबार से सबसे हाईएस्ट जो फाइनल मेरिट गई थी वो गई थी BSF की, कितनी गई थी 57.47, फिर CISF की गई थी 46.85 और सबसे लो गई थी ARN असम राइफल की 41.61। तो सर इस बार कितने नंबर लाए हम ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, कितने नंबर लाए हम ताकि हमारा सिलेक्शन। तो जिस बच्चे के, यानी 2022 में, ये मेरा अनुमान आंकड़ा लाडलो, इनको इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, 95% मैच कराने की मेरी गारंटी है, मेरी कोशिश है। तो जो भी बच्चे अंडमान और निकोबार से बिलोंग करते हैं इस बार उनके कितने नंबर है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि जिस बच्चे के इस बार 65 नंबर है 160 में से, अगर वो जनरल कैटेगरी से है, OBC से, SC ST से, किसी भी कैटेगरी से, तो उसका 100% सिलेक्शन है। अगर बोले कि सर हम ST कैटेगरी से या नक्सल एरिया से हैं तो हमारे कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं आपके अगर 55 से ऊपर नंबर भी है, आप ST कैटेगरी से, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं तो। ठीक है लाडलो, अब आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया, तो मैं उसको भी पूरी कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की। ठीक है, ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं इससे बाहर आपकी मेरिट नहीं होने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं, यानी मैं मैक्सिमम आंकड़े लेके चल रहा हूं, मिनिमम नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत लाडलो।